हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो TS7 ब्लॉग। एंड मैं पहले ही मेरे एकोमोडेशन से बाहर निकल चुका हूँ। और आज मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि हम आज बीच साइड जाएंगे, ये बोले तो वहाँ पे इतना ख़ास बीच साइड बोले तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन लहरें है, पानी है, समंदर है, और क्या चाहिए भैया, इतना ही तो होता है बीच में, है ना। तो वहीं पे जा रहे हैं, तो आज हम चल के जाएंगे, थोड़ा नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। दिखा लेता हूँ आगे का नज़ारा, ठीक है। ये मेरा एकोमोडेशन से बाहर आपको पहले भी दिखाया था। ये जो है ये बिल्डिंग, वो लास्ट बिल्डिंग ये दिखाई दे रहा ना, जैसे कि खाली, वहीं से सीधा जाना है। यहाँ से सीधा जाएंगे वहाँ पे जाके, वो वहाँ से एक दो हाईवे है, वहाँ पे दो रोड है, उसको क्रॉस करने के बाद हमारा डेस्टिनेशन वहीं पे है, ठीक है जी। ओके, चलते हैं फिर। मैंने रोड क्रॉस कर लिया है और एकोमोडेशन पीछे दिखाई दे रहा है, रोड है, गाड़ी है। कल मैंने बताया था उससे, पिछले उसने बताया था स्विमिंग पूल उस तरफ है और ताजमहल होटल उस सामने है। और यहाँ पे हम चलते हुए जा रहे हैं मंदिर की ओर। एक्चुअल में वहाँ पे मैं बहुत महीने पहले दोस्त के साथ गया था। मेरा दोस्त था जिसका नाम है मिस्टर मिल्टन, अच्छे दोस्त थे। और वो तो अभी हमारा जो कंपनी में काम करता हूँ वो छोड़ के चला गया है, अभी नहीं है वो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी उसके साथ मैं गया था 2-3 महीने पहले शायद, अभी मैं अकेले जा रहा हूँ। लेकिन अच्छा है, वहाँ पे जाके आप सुकून से बैठोगे भाई साहब, मेडिटेशन हो जाएगा। जैसे मुझे कितने दिन से जाने की वो था, लेकिन हम जा नहीं पाए थे, लेकिन आज जाएंगे। और इतना दूर भी नहीं है, 10 मिनट वॉक भी हो जाएगा, शाम का टाइम है ना। आज तो साला सनसेट देख के आएंगे, सनसेट दिखाई तो नहीं देता, लेकिन सनसेट जो है उस तरफ होता है, पीछे की तरफ, सूरज यहाँ से उधर डूब रहा है। लेकिन जो एक शाम का टाइम होता है ना, वो तो देखने में मज़ा आएगा ना, आगे समुंदर हो, पानी, लहरें चल रहा है भाई साहब, पानी आ रहा है, हा? पानी का आवाज़, ये सब शाम को अच्छा दिखता है। और यहाँ पे ये तलाइवा रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको, मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है तलाइवा रेस्टोरेंट है, मुंबई फूड हाउस, इस तरफ ये मुंबई फूड हाउस बोलते हैं इसको। और अलकुत मेडिकल सेंटर, अच्छा यहाँ पे अलकुत मेडिकल सेंटर। और सामने दिखा देता हूँ, और सामने दिखा देते हैं, मैंने जो बिल्डिंग पॉइंट आउट किया था ना, यही दो है, ये क्रॉस किया, उसके बाद हम अपने मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा नहीं लगा टाइम, ठीक है, तो थोड़ा आगे पहुंच के मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट पहुंच जाएंगे, रुकिए अभी, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे दो रोड है, उसको हमें पार करना है, उसके बाद हमारा मंजिल है, ठीक है। पहला पड़ाव पास हो गया, दूसरा पड़ाव है ना। क्या चल रहा है गाइस, यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट मैच, सही है। हमको लेकिन क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, हम चलेंगे आगे। आज तेरे की डिस्टर्ब हो गया बीच में, भाई लोग का वो भी हो रहा है ओवर। ओ भाई साहब पहुंच गए। ये पीछे का नज़ारा है, अब आगे का नज़ारा देखिए।
आपके यहाँ पे बहुत वो है देखो घुस रहे हैं मट्टी आ गए भाई। हम यही देखने आए थे भैया। ओह ओह सही बात है, सही जा रहे हो भाई साहब। ये पानी जब मुझे लग रहा है ये पानी है ना यहाँ पे दिख रहे हो ये सब गीला है, इसका मतलब है पानी का जो आता है ना जब ज़्यादा होता है तो यहाँ तक आता है, मतलब ऐसा नहीं कि कब का आया था, हो सकता है कल रात को ही आया था यहाँ तक पानी। लेकिन इतना रिस्की नहीं है, वो आएगा तो दिखाई देगा, पानी बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, एक ही बार में नहीं बढ़ता है कभी भी। लेकिन फिर भी देखिए भाई लगा यहाँ पे पानी ठंडा है, पानी तो गर्म ही है यहाँ पे। ओ भाई मारो मुझे मारो, दर्द तेरी के कपट हो गया मेरा। जो पानी है भाई पानी, लेकिन गर्म आ रहा है, मज़ा तो आ रहा है लेकिन गर्म आ रहा है ना, मज़ा नहीं आया। सही है लेकिन देखिए ओ पानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे ऊपर तक आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे पानी ऊपर आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है पानी कहाँ तक आ सकता है, वहाँ तक आ सकता है, मतलब 2-3-4 फीट तक आएगा आना है तो। ओ मुझे क्या दिखाई दिया जेलीफिश, मैं हाथ नहीं लगाना चाहता क्योंकि मालूम नहीं क्या है। मर गया शायद ना, जाओ भाई इसको इधर ही धकेलेगा, जेलीफिश ही है अभी मर गया है। यहाँ पे किनारे पे खड़े होके एक ही गीत याद आ रहा है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बजन फिराए चुपके से आए, क्योंकि आनंद में आनंद मूवी में ऐसे ही बीच में काका जी ने गाना गाया था। इधर देखिए सनसेट चल रहा है, इधर हवा चल रहा है, इधर पानी है, क्या है, मज़ा आता है देखने में।
हम है इधर चारों तरफ। जरा देख लीजिए, अच्छा है ना, सही है। ये देख लीजिए, इधर सनसेट हो रहा है, इधर पानी हवा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रहा है, पानी गर्म है लेकिन हवा ठंडी है, और हम यहाँ पे हैं, मज़ा आ रहा है। हमारे यहाँ ये ऐसे चीज़ों का मतलब वो बनाते हैं ना, सजाने वाला चीज, ये थोड़ा अच्छा दिखने वाला है, ये सन थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है। पूरा बीच के साइड में पूरा है ये, देख रहे हो ना, ये भी मतलब ये पानी के अंदर का वो है, बहुत हार्ड है, पानी के अंदर होता है ये, लेकिन अब ये बाहर आ गया है क्योंकि पानी ऊपर तक आता है, और इसके अंदर भी छोटा छोटा वो है, देख रहे हो ना, जैसे कि छोटा वही है, छोटा 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 बहुत है अंदर भी है। हाय गाइस, सर बीच साइड में आपने देख लिया, बहुत ही अच्छा, मतलब आप बैठ बस कुछ मत करो, बैठो बस, बैठो और देखते रहो, और हवाएं, इतना ठंडी हवाएं आ रहा है, पानी की आवाज़ है ना, इस सबसे मेडिटेशन हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत दिनों से आना चाहता था और आज फाइनली आ गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आके थोड़ा क्या बोलते हैं, नेचर के साथ थोड़ा हम पास ही होते हैं, जब समंदर वगैरह, नहीं तो हिल्स, जब हम जंगल होता है ना, जंगल पार्क वगैरह, जंगल वगैरह होता है, वहाँ पे आप घूमने जाओ कभी, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा सा मतलब होता है ना, एक कनेक्टिविटी बोलता है ना, मिलता है वो, क्योंकि हम भी इसी क्या बोले प्रकृति का हिस्सा है, बहुत ही भाष्ट हिंदी बोला जा रहा है अंदर अंदर जाके, क्योंकि लेकिन हम भी मतलब यही प्रकृति जो है, इसी का हिस्सा तो है हम भी, है ना। तो यहाँ पे आके एक कनेक्टिव फील होता है कि हाँ भाई, क्योंकि पानी में जाके हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 70% तो पानी रहता है ना बॉडी में, तो कुछ ना कुछ तो असर तो होता ही होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी अच्छा लगेगा, कभी जाइए और अकेले जाइए, कोई नहीं, इंटरनेट उंटरनेट, मैं तो फ़ोन बस ये कैमरा के लिए यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो इंटरनेट वगैरह भी ना हो और
बस ऐसे ही मस्त बैठी है और आनंद लीजिए, है ना? सही है ना, मज़ा आता है। हाय गाइस, तो आज का हमारा टूर हो गया है कंप्लीट। एक बार जाते जाते आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ये है हमारा आज का सनसेट भी हो चुका है पूरा। देखिए अभी है, अभी चलते हैं रूम में और नहा धो के खाना वाना बनाते खाते और सो जाते भाई, इतना ही आज का है ना। और भाई साहब लोगों का क्रिकेट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और आए मस्त खेल रहे हैं, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करते, साइड से निकल जाते हैं ना, सही बात है। देखिए ऐसा है, तो आ गया क्या, इधर का नजारा ऐसा है।